गुड मॉर्निंग क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्सरसाइज में देखिएगा. ए पैकेट कंटेन्स 225 टॉफीज, हाउ मेनी टॉफीज विल देयर बी इन 45 सच पैकेट्स. अभी आपको ऐसे बोला कि वन पैकेट, एक जो पैकेट है उसके अंदर 225 टॉफीज आती हैं, तो 45 पैकेट्स में कितनी टॉफियां आएंगी. इट मीन्स वन पैकेट में 225 आ रही हैं, तो 45 वैसे ही आपके पास पैकेट है, तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारी आएंगी, ज्यादा आएंगी ना वन पैकेट से. तो वही निकालना है. ज्यादा के लिए आपको पता है हमेशा आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले लैंग्वेज बना लेते हैं. इंग्लिश वन पैकेट कंटेंस वन पैकेट कंटेंस आगे लिख लेंगे अपन, है ना. वन पैकेट कंटेंस कितनी टोपियां, वन पैकेट में कितनी टॉफियां आ रही हैं, 225 टॉफियां आ रही है. सो वी विल राइट हियर कंटेंस टॉफी 225, ठीक है. नेक्स्ट है 45 पैकेट, कितने पैकेट, 45 पैकेट, 45 पैकेट्स कंटेन टॉफीज. अब आप क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तभी आपके पास आएगा कि 45 में कितनी सारी टॉफियां आ रही हैं. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 45, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. पीछे आपने सीखा है ना मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. सो 5 5 जा 25, 25 का 5 2 कैरी हो गया, 5 2 जा 10, 10 प्लस में 2 12, 12 का 2 और 1 कैरी हो गया, अगेन 5 2 जा 10, 10 और 1 11, ओके. सो पुट योर साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड स्टार्ट टू नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई. सो 4 5 जा 20, 20 का 0 और 2 कैरी हो गया, 4 2 जा 8, 8 प्लस में 2 हो गया 10, 10 का 0 1 कैरी हो गया, 4 2 जा 8, 8 और 1 9. सो अब इसको अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. 5 का 5, 2 का 2, 1 का 1 और 9 और 1 आ गए 10. सो आंसर विल बी 10,125. सो थस 45 पैकेट्स कंटेन कितने, 45 पैकेट में पूछा है ना आपको कि 45 पैकेट में कितनी टॉफियां आ जाएंगी. सो आप लिख देंगे थस 45 पैकेट्स कंटेन 10,125 टॉफीज. ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा. यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने वो वहां पे लिख दिया था, मल्टीप्लाई है ना. आप यहाँ आगे लिख रहे हैं या फिर वहां पे लिख रहे हैं, ठीक है. समझ में आ गया होगा ना सबको. जब भी नंबर आपके पास ज्यादा आने वाला है इट मीन्स आपको वहां पे मल्टीप्लाई करना है.